हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाइट कहाँ थे अपन? पी ब्लॉक एलिमेंट में 15 नंबर ग्रुप में हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे थे। नाइट्रोजन में हमने नाइट्रोजन कंपाउंड के बारे में भी पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, देन अमोनिया के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगी, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमने ये रूल पढ़ा था 11th क्लास में कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको आगे लिखा जाता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको पीछे लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड में। देन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन, देयरफॉर इन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। वही मतलब है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी, और जो बाद वाला है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो आगे लिखा जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, तो वो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। एंड पॉजिटिव फॉर्म में कहाँ से कहाँ तक शो करता है? +1 to +5 शो करता है। दस इट इज़ क्लियर टू नाइट्रोजन फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्साइड इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, द नेम फॉर्मूला प्रिपरेशन एंड फिजिकल अपीरियंस ऑफ दीज ऑक्साइड के बारे में जो टेबल दी गई है उसमें है, तो आप ये खुद पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको ये बता देती हूँ क्योंकि कि जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले दिया है यहाँ पर N2O, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +1। कैसे है +1? N2O। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो मान लीजिए कितने नाइट्रोजन है हमारे पास? 2, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +X है। कितने मान लिया अपन ने? X, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है। तो और इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? 0 होता है, 0 माना जाता है किसी के भी ऊपर लिखा होता है। अगर कोई चार्ज -1 है तो H2O -1, H2O N2O +1 +3 ऐसा लिखा होता है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कैसा है? 0 है। तो अब हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X। देन हाउ विल यू फाइंड? सिंपल है, मैथ्स का है। 2X -2 देन 0, देन X की वैल्यू जो है वो 2 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -2 + हो जाएगा, तो 2/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? +1। तो X की वैल्यू जो है वो +1 है, इसका मतलब डाइनाइट जो हमारे पास N2O है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +1। इसी तरीके से आप किसी की भी निकाल सकते हो यहाँ पर, लाइक हम N2O4 की निकालें हम, तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए N2O4 की हम निकालते हैं, तो वही N की हमें पता, कितने N है? 2, तो 2 की हमें वैल्यू पता नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट। O4 कितना है? 4 -2, और टोटल चार्ज कितना है? 0, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2X -8। 0 इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 8/2 = +4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है? +4। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। किस तरीके से बनाया जाता है यहाँ पर, ये लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट है कि अमोनियम नाइट्रेट है, उसको हीट अप करेंगे अपन, तो N2O बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और H2O निकलेगी। उसके बाद NaNO2 है +FeSO4 + H2SO4, ये सब को हम रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर क्या बनेगा? NO बनेगा। इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अपीरियंस है, फिज़िकल नेचर है, वो सब करेक्टर यहाँ दिए हुए हैं, और इस रिएक्शन इस टेबल में आपको पता लग जाएगा। लिवाइस डोट स्ट्रक्चर, मेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड पैरामीटर ऑफ ऑक्साइड नाइट्रोजन आर गिवन दिस टेबल। डॉट स्ट्रक्चर पूरी तरीके से आपको बनानी आती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बताई हुई है यहाँ पर। रेजोनेटिंग मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मोमेंट करते रहते हैं, एक पहले इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड में, ठीक है। तो प्लस माइनस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, दैट इज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाई दे आर फॉर्मिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड. फॉर्मूला इज नाइट्रिक एसिड इज HNO3. HNO3 जो है नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड सच इज द H2N2O2. ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग ऑक्सो एसिड, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी ये और क्या बनाएगी, मतलब ऐसा एसिड नाइट्रोजन का ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑक्सो एसिड. हाइपोनाइट्रस एसिड बोला जाता है. HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड. Most of the oxo acid are unstable in free state and are generally found in form of their salt and aqueous solution. Generally जो oxo acid होते हैं वो unstable होते हैं और ये salt या aqueous solution में पाए जाते हैं stability के form में. Amongst them जो हमने hyponitric acid, hypo यहाँ पर क्या पढ़ा, hyponitrous acid, nitrous acid और nitric acid, तीनों की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास HNO3 है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्टेबल. ठीक है, ये आपको मिलेगा लेबोरेटरी में भी, पूरा नाइट्रिक एसिड आपको मिलेगा. इन नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन इज़ इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. नाइट्रिक एसिड में जो अब आपको ये भी पता था, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पहले पढ़ा था अपने, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी. तो इन तीनों एसिड में नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, जो कि हाईएस्ट है. अब ये +5 कैसे निकाली, ये यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है HNO3 की, HNO3 की यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालनी है, बताई है, जो कि कितना आ रहा है, +5 आ रहा है. तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये स्टेबल इसलिए सबसे ज़्यादा है. प्रिपरेशन किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाएगा, इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर बाय द हीटिंग KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट जो है एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन अ ग्लास रिटॉर्ट. हम इसमें रिएक्ट करवाएंगे इनकी तो हमें क्या मिलेगा, HNO3 मिलेगा. ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड मेनली बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस. दिस इज बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3. ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है और वो क्या करेगा, NH3 का ऑक्सीडेशन कर देगा, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बन गया, NH3 जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कैटालिटिक फॉर्म में, मतलब कैटलिस्ट प्रेजेंट है यहाँ पर, प्लेटिनम प्रेजेंट है. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, NO प्लस H2O. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो चुका है NH3 का, जितने भी हाइड्रोजन थे वो रिमूव हो गए और क्या आ गया, ऑक्सीजन आ चुका है यहाँ पर. अब यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है, फर्दर इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड NO2 बनेगा. NO2 H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा. तो इस तरीके से हमारे पास HNO3 का फॉर्मेशन होता है. No, this formed is recycled and aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. Further concentration to 98% can be achieved by the dehydration and concentrated H2SO4. ये इनकी concentrated कैसे की बनाया जाए, dilution कैसे किया जाए, उसकी process है. लाइक प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है, इट इज़ द कलरलेस लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है. लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेंट्स लगभग 68% ऑफ द HNO3 बाय मास, हैज़ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है. इन द गैसियस स्टेट HNO3 एग्जिट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चर एज शोन. इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है, लाइक आपको प्लेन यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इस तरीके से फॉर्म जो बनती है वो प्लेनर फॉर्म है. द एंगल जो है वो यहाँ पर 102 डिग्री भी है, 130 डिग्री भी है. बॉन्ड लेंथ दी हुई है यहाँ पर 96 पिकोमीटर एंड 121 पिकोमीटर. इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम नाइट्रेट आयन. हाइड्रोनियम आयन मीन्स H+ देता है, जितने ज़्यादा H+ देगा, H+ एक्चुअली H+ होता नहीं है कुछ भी,
एच प्लस का मतलब जो है, एच प्लस जो है वो एच टू से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो हाइड्रोनियम आयन देता है ये, और ये एक स्ट्रॉ भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है बहुत ज़्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है बहुत ज़्यादा वाला। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है और किसी और को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड अटैक्स मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। नोबल मेटल्स क्या हैं? गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो जनरली रिएक्ट नहीं करती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एसिड लिया है। कौन सा एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड तो लेंगे ही, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेटल एक ही है लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास HNO3 है वो एक डाइल्यूट है और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर CU जो है वो HNO3 डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास NO मेन प्रोडक्ट तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास गैसेज बन रही हैं वो यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नीचे दिख रहा होगा आपको कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ये वाला डाइल्यूट और ये कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंट हो चुका है। H2O जो मॉलिक्यूल है उसके नंबर भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास कॉन्सेंट्रेट के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर माई डियर स्टूडेंट्स।